सभी को नमस्कार एवं सभी का केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे बोर परमाणु मॉडल। अपना टॉपिक चला था परमाणु मॉडल, जिसमें अपने थॉमसन परमाणु मॉडल किया था, उसके बाद किया था अपने रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। आज का अपना रहेगा बोर परमाणु प्रतिरूप, बोर परमाणु मॉडल नंबर 3, बोर परमाणु मॉडल। ठीक, नया वैज्ञानिक फुल फॉर्म था, कंप्लीट नाम था नील्स बोर। क्या नाम था? नील्स बोर। दिया था कब? सन 1913 में। कब दिया था? 1913। ठीक, इनके सन की मैं आपको याद दिलाता हूं। जेजे थॉमसन की बात करें तो कब दिया था? सन 1808 के अंदर। 1803 से 1808 तक ये परमाणु सिद्धांत चला था, फाइनल 1808 में दिया। उसके बाद जो रदरफोर्ड था उसका सन था 1911 में दिया। इसके बाद आया मिस्टर नील्स बोर, उसने दिया था 1913। ठीक, तो बोर ने क्या किया? बोर ने परमाणु को क्वांटम यांत्रिकी का आधार पर अध्ययन किया और कहा कि रूढ़ यांत्रिक व विद्युत गतिकी के नियम, यांत्रिक व विद्युत गतिकी के नियम परमाणु व उसके अंदर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन पर लागू नहीं होंगे। इसने परमाणु का किस आधार पर अध्ययन किया? क्वांटम यांत्रिकी। क्या कहते हैं? क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर अध्ययन किया और कहा कि विद्युत गतिकी रूढ़ यांत्रिक जो नियम होते हैं परमाणु उस पर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन पर लागू नहीं होते। और अपने सिद्धांत को उसने बिंदु बनाए वो क्या थे? तो नंबर 1 है जो बोर ने अपना सर्वप्रथम परमाणु मॉडल बनाया था हाइड्रोजन परमाणु का। हाइड्रोजन परमाणु ध्यान रखना, किसी कंप्यूटर क्वेश्चन बोर ने सर्वप्रथम किस परमाणु का मॉडल बना तो क्या आंसर होगा? अपना हाइड्रोजन परमाणु। नंबर 2 उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक स्थाई गोलाकार पथ में चक्कर लगाते। ठीक, ध्यान रखना यही वो एक ऐसा पॉइंट है जो इसे रदरफोर्ड परमाणु मॉडल से भिन्न कर रहा है। मिस्टर रदरफोर्ड ने कहा था कि सर्पिलाकार किस पत्थर, उसने कहा था परमाणु इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों सर्पिलाकार पथ में चक्कर लगाता। इसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों स्थाई गोलाकार पथ में चक्कर लगाता है। ठीक है, और इस चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन पर दो बल कार्य करते हैं। तो बल उस बल में देखता हूं कि स्थाई कक्षक क्या होता है, स्थाई गोलाकार पथ कह दीजिए में चक्कर लगाता है। इस पथ को उसने नाम दिया था कोस। क्या नाम दिया? कोस कह दीजिए, कक्षा कह दीजिए या ऊर्जा स्तर कह दीजिए, एक ही बात है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों स्थाई गोलाकार पथ में चक्कर लगाते हैं जिसे कोष, कक्षा या ऊर्जा स्तर कहते हैं। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट उसने कहा कि जब स्थाई गोलाकार पथ में चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन तो न तो ऊर्जा को उत्सर्जन करता है न ही अवशोषण करता है। देखिए, मान लीजिए कोई परमाणु का नाभिक है, यह उसके क्या है? ऊर्जा स्तर है। यदि इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा स्तर से इसमें जाता है, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा क्या करता है? अवशोषण। ऊर्जा क्या करता है? अवशोषण। और यदि उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन कूदता है ऊर्जा क्या करता है? उत्सर्जन। ऊर्जा क्या करता है? उत्सर्जन। परंतु बोर ने कहा था कि स्थाई गोलाकार पथ में चक्कर लगाता है, तो जब स्थाई गोलाकार पथ में चक्कर लगाता है तो उसका ऊर्जा का अवशोषण करता है नहीं तो उसका उत्सर्जन करता है। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन एक स्थाई गोलाकार पथ में चक्कर लगाएगा तो इस चक्कर लगाते इलेक्ट्रॉन पर उसे बोर ने कहा कि दो बल कार्य करते हैं। स्थाई गोलाकार पथ में चक्कर लगाते इलेक्ट्रॉन पर दो बल कार्य करते। मान लीजिए नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी वेग से चक्कर लगा रहा है, इस पर दो बल कार्य करते हैं। नंबर 1 उसने कहा अपकेंद्रीय बल।
अपकेंद्रीय बल और एक कार्य करता है अभिकेंद्रीय बल। एक तो अपकेंद्रीय बल कार्य करता है, एक अभिकेंद्रीय बल कार्य। देखिए अप यानी ऊपर, ये बल इलेक्ट्रॉन कहां पर देखेगा, ऊपर की ओर देखेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाएगा। इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक से कहां जाता है, दूर। इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक से कहां पर जाता है, दूर। और इसकी वैल्यू किसने लिखाई, mv² / r नाभिक से क्या देखेगा, दूर। ठीक, अभिकेंद्रीय, अभि यानी केंद्र की ओर, तो ये बल इलेक्ट्रॉन कहां पर खींचेगा, नाभिक की ओर खींचेगा, यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास आएगा। तो इसका वैल्यू की Ze² / r, ये इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींचता है। ठीक, ये दोनों बल, एक इलेक्ट्रॉन को नाभिक से दूर धकेल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींच रहा है, ये दोनों बल एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी अब केंद्रीय बल बराबर अभिकेंद्रीय बल, कहने पर क्या हो जाएगा, mv² / r बराबर Ze² / r, यानी ये दोनों बलों के मान बराबर होते हैं जिस इलेक्ट्रॉन एक निश्चित गोलाकार पथ में चक्कर लगाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन कहा कि जब इलेक्ट्रॉन एक स्थायी गोलाकार पथ में चक्कर लगाते हैं तो उन्हें कहते हैं ऊर्जा स्तरीय कोष, कहते हैं, जिन्हें उन्होंने प्रदर्शित किया KLMN से। इसे प्रदर्शित किया KLMN से, जैसे एक और परमाणु है उसका नाभिक है, इसको उसने प्रदर्शित किया K, ये L, ये N और ये K L, सॉरी एक K L N और N से प्रदर्शित किया, या इसे 1, 2, 3, 4 के एलिमेंट, के कोष, एल कोष, एन कोष और एन कोष, 1, 2, 3, 4 उसने प्रदर्शित किया। ठीक है, एन प्रथम कोष, द्वितीय कोष, तृतीय कोष और चतुर्थ, प्रथम ऊर्जा स्तर, द्वितीय ऊर्जा स्तर, तृतीय ऊर्जा स्तर, चतुर्थ ऊर्जा स्तर उसने प्रदर्शित किया और कहा कि इन ऊर्जा स्तर में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंपटीशन क्वेश्चन पूछा जाता है। बोर परमाणु सिद्धांत के अनुसार किसी कोष में अधिकतम, किसी ऊर्जा स्तर में अधिकतम या किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो आंसर क्या है अपना 2n² कहेगा, 2n² या n बराबर है कोष की संख्या, n बराबर क्या है, कोष, क्या है, कोष। तो कोष कौन से अपना K, L, N और N, K को 1, 2, 3 और 4, ये किसके मान हो जाएंगे अपने, n के मान हो जाएंगे। तो बात है कि K कोष में आपने 9th 10th में पढ़ाएगा 2, 8, 18, 32 K, L, N और N, के कोष में अधिकतम 8, एल में, के कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, एल कोष में 8, एन कोष में 18, एन कोष में 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। उसका कारण क्या था, उसका निर्धारण क्या था, बोने के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है, 2n². देखिए कैसे, बात करें के कोष की, तो के बराबर, के कोष के लिए एन बराबर कितना होता है, 1, एन बराबर कितना होगा, 1, तो क्या हो जाएगा 2n² तो क्या हो जाएगा 2×1^2, तो 1 को 1 से तो क्या हो जाएगा 2×1×1, तो 2 को 1 से क्या 2, तो 3 से क्या, तो क्या जाएगा 2, इसलिए के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है 2। इसी प्रकार L की बात करें, L बराबर के लिए N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, फॉर्मूला अपना क्या है 2n², फॉर्मूला क्या है अपना 2n², तो क्या हो जाएगा 2×2 2×2 तो क्या हो जाएगा 2 × इसको क्या लिखेंगे 2×2 तो 2×2 = 4, 4×2 = 8, इसलिए L कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितनी होती है 8। इसी प्रकार अगर N की बात करें, N के लिए N की वैल्यू कितनी होती है 3, क्या हो जाएगा अपना 2×3^2 2×3^2 क्या हो जाएगा 2×3×3
क्या हो जाएगा, तीन दूनी छह, छह तीन अठारह, इसमें m अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं अठारह। n की बात करें तो n के लिए n की वैल्यू कितनी आती है चार, क्या हो जाएगा टू इंटू चार के पावर दो, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे अपने 32। इस प्रकार के एल एम में जो दो आठ अठारह 32 इलेक्ट्रॉन भरे थे वो अगर आने वाला के एल एम एन आने वाले कितना होगा ओ, कौन सा होगा ओ। अगर आप पूछे भविष्य में ओ में कितना अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ओ के लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी पांच, कितने हो जाएगी पांच। फॉर्मूला लगाए टू एन स्क्वायर, दो की टू इंटू पांच के पावर दो, यानी दो गुणा पांच इंटू पांच, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे आने वाले में 50 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है, तो ये तो था अपना बोर परमाणु प्रतिरूप की इलेक्ट्रॉन कार्य निश्चित स्थायी गोलाकार पथ में चक्कर ध्यान रखना, अगर छोड़ दे ये गलती की तो इसने सर्वलाकार पथ का उपयोग किया, इसने कहा कि स्थायी गोलाकार पथ में चक्कर लगाता है, चक्कर लगाते इलेक्ट्रॉन नष्ट ऊर्जा को उत्सर्जन करता है नहीं अवशोषण करता है, जिन्हें कोष ऊर्जा स्तर कहते हैं। इसने उसे KeLeBlanc से प्रदर्शित किया और किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितनी होती है 2 n पर, इसलिए 2 8 18 32 एक संख्या बनी है, आने वाले कितने आएंगे 50। लास्ट और फाइनल में उसने एक पॉइंट निकाला कि कोई इलेक्ट्रॉन स्थायी गोलाकार पथ में तब ही चक्कर लगाता है जब उसके कोणीय संवेग का मान, जब उसके कोणीय संवेग का मान nh या h / 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चार स्थायी गोलाकार पथ में तभी चक्कर लगाता है जब उसके कोणीय संवेग का मान nh / 2 पाई होता है। अगर n cos की बात करें तो क्या हो जाएगा n है cos / 2 पाई, कोणीय संवेग बराबर क्या हो जाएगा mvr, क्या हो जाएगा तो mvr बराबर nh / 2 पाई, तो इसका मान हो तभी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चार स्थायी गोलाकार पथ में चक्कर लगाता है। ठीक है, ये तो था अपना बोर परमाणु मॉडल के बिंदु, तो आज के लिए इतना ही, कल अपन पढ़ेंगे बोर परमाणु मॉडल की कमियां। धन्यवाद।